वतन समाचार के इस प्रोग्राम में आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब। हकीमुद्दीन कासमी साहब, आपका इस्तकबाल है। मौलाना, अगर देखा जाए तो जमीयत उलमा पिछले कई सालों से इत्तेहाद बैनुल मसालिक की काफ़ी लंबी तहरीक चला रही है और अमली नमूना पेश कर रही है। कितना मुश्किल और कितना आसान है ये जमीयत उलमा के लिए और आप लोगों के लिए? देखिए, इस वक्त अभी 33वां इजलासे आम जमीयत उलमा हिंद का अजमेर शरीफ में हुआ, उसके बाद मेडिकल कैंप लगाया गया और बहुत कामयाब था गुज़श्ता साल जो मेडिकल कैंप लगा, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 रोज़ा प्रोग्राम था और बहुत अच्छे अंदाज से 8 मोबाइल एम्बुलेंस वहाँ कायद विश्राम स्थली में जहाँ ज़ायरीन ठहरते हैं और हॉस्पिटल तक के लिए खिदमत के लिए लगी हुई है। हजरत मौलाना सैयद महमूद बदरी साहब ने खुद दौरा फरमाया और मुकामी जमीयत उलमा के जिम्मेदार मौलाना शब्बीर अहमद कासमी नायब सदर हैं, उनकी निगरानी में काम चल रहा है। कितना मुश्किल और कितना आसान है ये अमल? नहीं, मुश्किल तो ज़रूर है, पर अगर मैदान में उतरेंगे और लोगों के पास जाएंगे तो जो बहुत सी गलतफहमियाँ दूर रह करके सामने नजर आती हैं, दूर रह करके गलतफहमियाँ होती हैं, लेकिन जब करीब पहुँचते हैं, बातचीत होती है, मुलाकात के बाद फिर वो दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं और नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं, तो बज़ाहिर देखने में तो मुश्किल नज़र आता है लेकिन जब करीब होते हैं तो आसान हो जाता है। मौलाना साहब, आप लोग ग्राउंड पे काफ़ी रिलीफ के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, चाहे वो बिहार का सैलाब हो या मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो सैलाब आए, खासतौर से गुजरात के आपके सैलाब को प्रधानमंत्री ने बताते खुद रिकॉग्नाइज किया, ये कितनी बड़ी कामयाबी जमीयत उलमा हिंद की? देखिए, जमीयत उलमा हिंद बहैसियत एक तंजीम के इंसानों की खिदमत करती है बिना किसी तफरीक मजहब मिल्लत के, और हमने तो कश के जिलसिले में इंसानों से ऊपर उठ करके जानवरों की भी खिदमत की, बिल्कुल चारे का इंतजाम किया गया था 2001 कश के जिलसिले में। यहाँ 24 सितंबर को सैलाब आया था जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने किया है, तो काफ़ी बड़ा मसला था पालनपुर के एक इलाके में, और उसमें सैलाब की वजह से कचरा बहुत था, कई कई इमारतें पानी लपेट में थी और 2-2.5 फुट तक कचरा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के साथियों ने, वहाँ के मुकामी जिम्मेदारों ने, खासतौर से हज़रत मौलाना जो कुद्दूस साहब पालनपुरी नायब सदर जमीयत उलमा गुजरात, अज़ीज़ुर्रहमान कुरैशी साहब जमीयत उलमा हिंद का सदर, मौलाना अबुल हसन साहब, इन सब हजरात ने मेहनत की और मेहनत के नतीजे में इबादतगाहें भी और स्कूल कॉलेज, इसी तरह से हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, मकान, सब की सफाई हुई और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने किया है। रिलीफ के कैंपों में कितनी मुश्किलात और कितनी आसानियाँ आप लोगों को होती हैं, ख़ासतौर से इंसान परेशान है, रोटी का इंतज़ाम नहीं है, दवाओं का इंतज़ाम नहीं है, और ऐसे माहौल में जब वबाई अमराज के फैलने का भी ख़तरा होता है, आप लोग जाते हैं तो अपने आप को कितना महफूज तसव्वुर करते हैं वहाँ पर? देखिए, बहुत बड़ा मसला है, अलग अलग हालात होते हैं, मसलन साइक्लोन है, सुनामी है, उसकी नौयत बिल्कुल अलग है, जलजला है तो वो बिल्कुल अलग है, सैलाब है तो वो एक अलग अंदाज से है, फसादात में अगर जाना पड़ता है तो एक अलग मसला होता है, लेकिन जमीयत उलमा चूंकि इसको इबादत समझ करके, जमीयत उलमा के अफराद मैदान में उतरते हैं इबादत समझ करके कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, तो जब इबादत समझ करके, दीन समझ करके मैदान में उतरते हैं ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों के सामने रखते हुए, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि जमीयत उलमा ने रोहिंग्या के लिए बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया, अभी तक काम चल रहा है, फिर इसी तरह से गुजरात के सैलाब में, बिहार के सैलाब में, बिहार के सैलाब में हम लोगों ने रात दिन करने की कोशिश की, बल्कि एक ऐसा वाक़ पेश आया कि गांव का एक इलाका था पूर्णिया ज़िले में, हम लोग रात को सफ़र कर रहे थे, वहां देखा कि आग जल रही है और दो औरतें बैठी हुई हैं, तो हमने मुफ्ती जावेद इकबाल साहब हमारे नायब सदर हैं उसके करीब पहुँचे, उन औरतों के पास, भाई ये पानी इसमें आप लोग उबाल नहीं है, क्या बात है? तो दोनों बेवा औरतें थी, दोनों ने कहा कि ये पानी गर्म हो रहा है, इसमें हमने चाय की पत्ती डाल रखी है और यही हमारी खुराक है इस वक्त। तो ऐसे हालात से जब गुजरते हैं और उन लोगों तक पहुंचा जाता है तो उनमें एक नई जिंदगी पैदा होती है और बड़ी उम्मीदें उनसे, उनको वाबस्ता हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जमीयत उलमा ने बिहार के सैलाब में, गुजरात के सैलाब में, नेपाल के जिलसिले में, कश्मीर के सैलाब में, कश्मीर के जिलसिले में, गुजरात के सैलाब फसादात में, गुजरात के सिलसिले में, सुनामी में, हर तरफ आसाम में, मुजफ्फरनगर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से और बड़े
अच्छे और खूबसूरत अंदाज में खिदमत अंजाम दी है और अभी भी कर रहे हैं, मकाना भी बनाए जा रहे हैं। इधर पालनपुर के उस एरिया में जिसमें सैलाब आया तो वहाँ भी तामीरी काम जारी है और सीमांचल के इलाके में भी तामीराती काम जारी है और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। मौलाना साहब, आपने बातचीत के दरमियान इस बात का इशारा दिया कि आप लोगों को क्रेडिट देने पे यकीन रखते हैं, जबकि उमूमन ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ से आपको सीख मिली कि लोगों को उनका क्रेडिट दिया जाए जो लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो मैदान में उतरते हैं काम करने के लिए, तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि इबादत और खिदमत दोनों के मजमुए का नाम सुन्नत रसूल है और तसव्वुफ का दूसरा नाम खिदमत खल्क है। जब इस जज्बे के साथ हम मैदान में उतरेंगे कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए, अल-खल्क अय्यालुल्लाह, अल्लाह के मखलूक है, जो उसकी अयाद है, उसका कुनबा है, उसकी खिदमत के लिए, तो मैदान में जितने लोग हैं और जमा किसी एक आदमी का नाम नहीं दरो दीवार कर, जितने लोग मैदान में हैं नीचे से ऊपर तक सब खड़े होते हैं, कहीं से फंड जमा किया जाता है, कहीं से अफराद जमा होते हैं, कुछ लोग हैं जो मैदान में उतरते हैं काम करने के लिए, कुछ लोग अपनी जान को हथेलियों में रख करके, चाहे वो सैलाब की सूरत हाल हो या फसादात के हालात हो या सुनामी हो, उनमें उधर के काम करते हैं, तो जाहिर है। लेकिन इन सब का क्रेडिट उन तक तो पहुंचता ही है जो मैदान में है, लेकिन खासतौर से इसमें हमारे कायद कायद जमीयत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, जब दुमाहिन के सदर मोहतरम मौलाना कायद सैयद महमूद उस्मान साहब मंसूर पूरी, जिनकी तवज्जो से काम होता है, असल तो ये चीज़ें उन्हीं की तवज्जो से होती हैं। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब ने लखनऊ के इजलास में एक नारा दिया है, दलितों के साथ तालमेल का, उनके घर जाकर के खाना खाने का, कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप जमीयत उलमा के सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। देखिए, हमारी ये पुरानी तहरीक है, खिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत जंगी पैमाने पर इसे चलाया था। खान पान करते थे, दलितों के साथ बैठते थे और उनकी प्लेट में खाते थे। बहुत से मकामात पे हजरत के साथ मैं खुद गया और जिन लोगों ने हजरत के साथ खाना खा लिया था, आज वो बहुत काफ़ी हद तक हमसे करीब भी हो गए हैं। इस वक्त ये फैसला लिया गया है कि अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में हमारे जहाँ जहाँ अफराद हैं और इनका जो जुलूस निकलता है, तो हम आहंगी पैदा करने के लिए इनके लिए हम पानी शरबत वगैरह का इंतज़ाम करें, फलों का इंतज़ाम करें। तो ये निज़ाम बनाया जा रहा है, इंशाल्लाह पूरे मुल्क में इस पर अमली तौर से 14 अप्रैल को हम पेश करके दिखाएंगे। आप लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद इस्लाम पर तरह तरह की उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, हमारे जहाँ जिन जिन इलाकों में काम हुआ है, जैसे अभी आपने पालनपुर के सैलाब का जिक्र किया, तो वो कस्बा है धानेरा। धानेरा में जब काम हुआ और पूरी तरह से लोगों ने काम किया, तो वही लोग जिनको हम अपना मुखालिफ समझते थे, जमीयत उलमा हिंद 13 अगस्त को अपन मार्च का प्रोग्राम किया था, तो धानेरा के मंदिरों के पुजारी जो तकरीबन 22 मंदिरों पर मुश्तमिल है, वो सब निकल करके आए और उन्होंने हमसे कहा कि इस जुलूस की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, इस अमन मार्च की। मैं खुद प्रतापगढ़ में था और वहाँ जब हम लोगों ने अमन का अमन मार्च शुरू किया, तो लोग दुकानों से निकल निकल करके सड़क पे आ गए। इसमें सही पैगाम हम नहीं पहुँच पा रहे, जो पहुँचा पा रहे, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। सही बात यह है कि हम इस्लामी तालीमात जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अदा फरमाई है, उस चीज़ को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जहां पहुंचा देते हैं, लोग इस्लाम और मुसलमानों से करीब हो जाते हैं, मुतासिर भी होते हैं। आप कश्मीर में आइए, 2001 में जलजला आया, वहां हम लोगों ने रिलीफ का काम अंजाम दिया। हजरत फिराज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामिनुल कादुम आते रहे, बल्कि 6 महीने वहाँ रहे। वहाँ एक गैर मुस्लिम नवीन चंद मजलदार भाटिया, जिन्होंने जमीयत वालमाई उनको फ्री 12 एकड़ ज़मीन डोनेट किया, उस पर इस वक्त यतीम बच्चों का प्रोजेक्ट है, कॉलेज आप फॉर्मिंग PTC कॉलेज है, स्कूल है इंग्लिश गुजराती मीडियम हाई स्कूल प्राइमरी, बहुत खूबसूरत छोटे छोटे बच्चों का घरेलू माहौल में उनकी परवरिश और तरबियत का नज़्म है। और यतीम खाने का कोई, जिस तरह से यतीम खाने बनाए जाते हैं, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं, वहाँ बच्चे यतीम होंगे लेकिन घरेलू माहौल में पूरी जमीन है गैर मुस्लिम। लेकिन इस्लामी तालीम को पहुँचाने में कहाँ आप नाकामयाब हुए? देखिए, हम लोग, हमारी ये कोशिश है कि हम लोग उनके बीच पहुँचे और उसका सबसे बड़ा जरिया है खिदमत उनकी ज़रूरतों के लिए। बहुत बड़ा मैदान हमारे लिए
हमारी ट्रेन है, बसें हैं, हवाई जहाज है, दुकानें हैं, हम जहां बैठे हुए हैं वहां रहकर के दावत निकाह अंजाम दे सकते हैं। हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई जरूरतमंद मुसाफिर है, ख्वाह कैसा भी है, किसी भी दर्जे में है, और हम उसकी मदद करेंगे तो जाहिर है उसको इस्लाम से मोहब्बत होगी, और जो एक तरह का लोगों का जहन बन गया उससे लोगों में दूरियां पैदा होगी। मेरा खुद का तजर्बा है, मैं बारहा सफर करता रहता हूँ ट्रेनों में, लोगों से वास्ता होता है। प्रतापगढ़ से दिल्ली आ रहा था तो हमारे यहाँ के राजा फैमिली के साथ थे, मैंने थोड़ी सी उसे बातचीत के बाद अपने आप को पेश किया, कोई जरूरत है मुझे आप बताएंगे। तो मेरे इस अमल से जो मेरा उससे ताल्लुक हुआ बातचीत के, तो 50 आदमियों को फोन करके कहा भाई हमें तो बड़ी गलत फहमी थी इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से, आज वो गलत फहमी खत्म हो गई। अगर अमली तौर पर ट्रेनों में, बसों में, लेन देन में, मामलात में, चलते फिरते दुकान में लोगों के साथ बातचीत करेंगे सही तरह से, उस अखलाक किरदार जिसको हम बयान करते हैं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का था, अगर लोगों के साथ करके दिखलाएं तो इंशाल्लाह ये दुनिया खत्म होगी और नजदीकियों में लोग, ये नजदीकियां करीब आएंगे, लोग हमारे उनसे करीब होंगे इंशाल्लाह। यानी बातों के बजाय आप अमली इकदाम की बात कर रहे हैं, अमली इकदाम किए जाएं जी, इसी की जरूरत है। तो इसमें नाकामयाब कहाँ हुई? देखिए नाकामयाब तो नहीं है, अभी आपने देखा होगा तहाड़ जेल में हमारे हमारी जमात का एक फैसला, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब फैसला किया कि वो लोग जो कैद खानों में हैं और उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है पर जुर्माना न होने की वजह से पैसे नहीं दे पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमीतुल्वाहिद ने उस पर कोशिश की और तहाड़ जेल से 8 कैदियों को निकाला गया। हमारे मौलाना आसिमुल्ला साहब भी थे, मौलाना यासिन साहब, मौलाना कलीमुद्दीन साहब, हमारे नौशाद साहब, सारे ये हजरात हमारे ऑर्गेनाइजर के वहाँ मौलाना कैयूम साहब वगैरह बहुत सराहा उन लोगों ने, और जेल के अंदर प्रोग्राम किया, तमाम आला अफसरान तहाड़ जेल के वहाँ मौजूद थे, उन कैदियों को लाया गया, उनके सामने बातचीत हो गई हुई, फिर इस्लाम को पैगाम दिया गया, उससे बहुत मुतासर हुए। इसी तरह से अभी कासगंज में जो फसाद हुआ है, 17 दुकानें जब जुर्मा ने बना करके दी हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी था, जब हम उसको दुकान की चाबी दे रहे हैं तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि अच्छा ये है इस्लाम मुसलमान, लोगों ने हमारी दुकानों पर तो मुसलमान समझते हुए चला दिया लेकिन आज मुसलमान हमारी मदद कर रहा है, तो कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंचेगा। मौलाना मेरा आखिरी सवाल, जमीयत उलमा का एक बैनुल अक्वामी नेटवर्क है, जमीयत के फॉलोअर्स को, चाहने वालों को, मेंबर्स को कोई पैगाम? देखिए जमीयत उलमा हिंद इस वक्त 100 साल पूरा करने जा रही है, तो जमीयत उलमा की जो अपनी तारीख है वो एक आजादी तक है, फिर आजादी के वक्त मौजूदा मुल्क में जहाँ हम आप रह रहे हैं यहाँ के ताल्लुक से उसकी खिदमात है, फिर उस वक्त से कि अब तक आज तक हम अपने कारकुनान से ये दरख्वास्त करेंगे कि जैसा कि ये तय हुआ है 22, 23, 24 फरवरी जुमा शनिचर इतवार 2019 देवबंद में इजलास ससाला करने के लिए, तो इस मौके पर हम लोगों के पास जाएं और जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों में मुआविन बने। खासतौर से बहुत बड़ा मसला आज का है हमारे नौजवान लड़के जिस बेरहमी के शिकार हैं, माशरती इसलाह की तरफ उनको मुतवज्जे करें, फिर उनकी जो ज़रूरतें हैं, मसलन 18 साल का बच्चा हो गया और उसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम दिलवाया जाए। आपने देखा अभी आसाम के ताल्लुक से 48 लाख औरतों का मामला था, कागजात की दुरुस्तगी करवाई जाए, जमीतुलमा ने कोशिश की और अलहमदिल्ला 48 लाख औरतों का मसला सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ, उसमें 14 लाख के करीब गैर मुस्लिम औरतें थी, तो दरअसल हम लोगों की जरूरतों में काम आए, लोगों की फिक्र करें, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे अच्छा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वतन समाचार से बात करने के लिए।